सेक्टर 2 की मूर्तिकार बस्ती और कैपिटल मॉल के पीछे बागड़ी बस्ती की ओपन एयर क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया। बच्चे बहुत ही उत्साहित थे और सभी ने एक दूसरे को राखी बांधी। इस खास मौके पर बच्चों को फल और टॉफी वितरित की गई। ओशी फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री विवेक शर्मा जी ने बच्चों को रक्षाबंधन का महत्व समझाते हुए भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनाई। उन्होंने बताया, रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के बीच ही नहीं बल्कि मित्रों, माता पिता और यहाँ तक कि पेड़ों के साथ भी मनाया जा सकता है, क्योंकि पेड़ हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन और फल प्रदान करके हमारी रक्षा करता है। इस प्रेरणादायक कार्यक्रम ने बच्चों के मन में रक्षा की भावना को प्रबल किया। रक्षाबंधन का अद्भुत आयोजन बच्चों के लिए यादगार बन गया। इस कार्यक्रम में ओशी फाउंडेशन के अध्यक्ष विवेक शर्मा जी, मनोज मुद्दल, प्रदीप, शंकर मोना आदि लोग मौजूद रहे। टीका करने के लिए तो बच्चों के दिमाग में सवाल आना चाहिए। जिस सवाल का उत्तर आपके पास नहीं है वो पूछना चाहिए। एक राक्षस था, उसका नाम था राजा बलि। राजा तपस्या करी और वरदान में उसने पूरी दुनिया का राजा बनने का वरदान मांग लिया भगवान से, ईश्वर ब्रह्मा जी कि मैं धरती का भी राजा बन जाऊँ, मैं पाताल का भी राजा बन जाऊँ, मैं नागों का भी राजा बन जाऊँ और मैं स्वर्ग का भी राजा बन जाऊँ, ऐसा मुझे वरदान। रक्षाबंधन का ये त्यौहार तो ये राखी का कार्यक्रम चल रहा है। बड़े ही मनमोहक राखियां हैं। बहन का प्यार का बंधन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज रक्षाबंधन मनाने के लिए हम यहाँ ओपन एयर क्लास में उपस्थित हुए हैं और ये बहुत ही प्यारा भाई बहन का प्यार का त्यौहार है। बच्चे बड़े खुश हैं और जैसा कि हमेशा करते हैं, ओशी फाउंडेशन से अपने बच्चों के लिए मिठाइयों का, फल फ्रूट का और बाकी का इंतज़ाम किया है। सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। चलो बांधो बांधो। जितने भी भाई हैं वो अपनी बहनों का ध्यान रखते हैं, रक्षा करते हैं और प्रेम से रहते हैं, इसलिए अपनी छोटी और बड़ी बहनों का ध्यान रखें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें और उनकी सुरक्षा करें। सीधे हाथ में बनवा नहीं बेटा, जिससे आप खाना खाते हो, लिखते हो ना, पढ़ाई करते हो। रक्षाबंधन के दिन में ये नया गेम, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। राजवीर जीत गया भाई, राजवीर जीत गया।